प्रोफेशनल एथिक्स के इस लेक्चर सीरीज में आज हम सेक्शन 16 ऑफ एडवोकेट्स एक्ट 1961 से डील करेंगे। हमारे एडवोकेट्स एक्ट 1961 का जो सेक्शन 16 है वो दो क्लासेस ऑफ एडवोकेट्स को रिकॉग्नाइज करता है, एक सीनियर एडवोकेट और दूसरा अदर एडवोकेट्स। ठीक है, तो एडवोकेट्स एक्ट 1961 का सेक्शन 16 टू क्लासेस ऑफ एडवोकेट्स को रिकॉग्नाइज करता है, एक सीनियर एडवोकेट और दूसरा अदर एडवोकेट्स। राइट, अब देखो अगर हम एडवोकेट्स एक्ट 1961 के इस पर्टिकुलर सेक्शन के इम्पोर्टेंस को देखें तो अक्सर शॉर्ट क्वेश्चन में यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसे ये है दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय का पेपर 2022-2023 का, प्रोफेशनल एथिक्स का पेपर है। इसके सेक्शन ए में जो कि शॉर्ट क्वेश्चंस का सेक्शन है जिसमें आपको 100 वर्ड्स से ज़्यादा नहीं लिखना है, जब आप क्वेश्चन नंबर 3 देखोगे सेक्शन ए का तो इसमें पूछा गया है ऑन विच कॉन्सिडरेशंस एन एडवोकेट कैन बी डेजिग्नेटेड एज सीनियर एडवोकेट। ठीक है, तो आप किसी भी स्टेट यूनिवर्सिटी से हो, अक्सर सेक्शन 16 से शॉर्ट क्वेश्चंस बनते हैं, डायरेक्ट क्राइटेरिया पूछ लिया जाता है कि कौन कौन से ग्राउंड्स हैं या वो क्राइटेरिया मेंशन करो जिनके बेसिस पे एक एडवोकेट को सीनियर एडवोकेट का डेजिग्नेशन मिल सकता है। राइट, चलिए तो एक बात क्लियर है कि हमारे एडवोकेट्स एक्ट 1961 का जो सेक्शन 16 है वो टू क्लासेस ऑफ एडवोकेट्स को रिकॉग्नाइज करता है, एक सीनियर एडवोकेट और दूसरा अदर एडवोकेट्स। तो वो एडवोकेट्स जो सीनियर एडवोकेट्स नहीं हैं या जिन्हें सीनियर एडवोकेट्स का डेजिग्नेशन नहीं मिला है वो कहलाएंगे अदर एडवोकेट्स। राइट, चलो तो सीनियर एडवोकेट से अक्सर शॉर्ट क्वेश्चंस पूछा जाता है, अगर सीनियर एडवोकेट्स क्या है ये क्वेश्चन आता है तो आप कैसे लिखोगे, आइए समझते हैं। सबसे पहले आप लिखोगे कि सेक्शन 16 ऑफ एडवोकेट्स एक्ट 1961 रिकॉग्नाइजेस टू क्लासेस ऑफ एडवोकेट्स एक सीनियर एडवोकेट और दूसरा अदर एडवोकेट। राइट, अब देखो सीनियर एडवोकेट कौन होता है, एन एडवोकेट मे विद हिज कंसेंट, एक एडवोकेट अपने कंसेंट से बी डेजिग्नेटेड एज सीनियर एडवोकेट, उसे वरिष्ठ अधिवक्ता के रूप में अभिहित किया जाएगा अगर वो अपना कंसेंट देता है तो। इफ हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट इज ऑफ ओपिनियन दैट, यदि हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का ये मानना है या हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का ये ओपिनियन है कि बाय वर्चू ऑफ हिज एबिलिटी, उस एडवोकेट के पास ये एबिलिटी है और वो इन ग्राउंड्स को फुलफिल करता है, जैसे पहला हिज स्टैंडिंग एट बार, विधि क्षेत्र में उसका स्थायित्व, दूसरा स्पेशल नॉलेज, उसके पास एक स्पेशल नॉलेज है एक रिस्पेक्टिव फील्ड में, हिज एक्सपीरियंस इन लॉ, ही इज डिजर्विंग सच डेजिग्नेशन, वो सीनियर एडवोकेट के डेजिग्नेशन को डिजर्व करता है, तो उसके कंसेंट से उसे सीनियर एडवोकेट का डेजिग्नेशन दे दिया जाएगा। कौन देगा, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट। तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में आपको सीनियर एडवोकेट्स नहीं देखने को मिलते हैं।
या तो हाई कोर्ट में या तो सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है। तो अगर हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट को ये लगता है कि इस पर्टिकुलर एडवोकेट के पास एबिलिटी है, हिज स्टैंडिंग एट बार विधि क्षेत्र में उसका अस्थायित्व है, लंबे समय से वो प्रैक्टिस में है, उसके पास एक्सपीरियंस है और एक रिस्पेक्टिव फील्ड में उसके पास नॉलेज है, तो इन ग्राउंड्स के बेसिस पे उसके कंसेंट से सीनियर एडवोकेट का डेजिग्नेशन उसे दिया जाएगा। कौन देगा? सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट। अब देखो, सीनियर एडवोकेट है तो अभी भी वो एडवोकेट ही, तो सीनियर एडवोकेट शैल ऑल्सो सब्जेक्टेड टू ऑल सच रेस्ट्रिक्शंस एज लेड डाउन बाई बार काउंसिल ऑफ इंडिया इन इंटरेस्ट ऑफ लीगल प्रोफेशन। हम जानते हैं कि हमारे एडवोकेसी को गवर्न करने का काम बार काउंसिल ऑफ इंडिया करता है और स्टेट बार काउंसिल करता है उस कंसर्न स्टेट का। तो बार काउंसिल ऑफ इंडिया लीगल प्रोफेशन के इंटरेस्ट में कोई रेस्ट्रिक्शंस इम्पोज करता है तो वो सारे रेस्ट्रिक्शंस उस सीनियर एडवोकेट पे भी एप्लीकेबल होंगे इक्वली लाइक अदर एडवोकेट्स, ठीक है। तो लिख लो, हु इज अ सीनियर एडवोकेट। तो सीनियर एडवोकेट कौन होते हैं? हालांकि आपके बेरक में दिया है लेकिन फिर भी लिख लो, एन एडवोकेट मे विथ हिज कंसेंट, एन एडवोकेट मे विथ हिज कंसेंट, एक एडवोकेट अपने कंसेंट से बी डेजिग्नेटेड एज सीनियर एडवोकेट, बी डेजिग्नेटेड एज सीनियर एडवोकेट इफ हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, इफ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट इज ऑफ ओपिनियन दैट सच एडवोकेट बाय वर्च्यू ऑफ हिज एबिलिटी like his standing at bar special knowledge tisra experience in law he is deserving such designation, तो उसे सीनियर एडवोकेट का डेजिग्नेशन दे दिया जाएगा, ठीक है। अब देखो, एडमिशन ऑफ अ पर्सन एज एन एडवोकेट, कोई भी पर्सन जो ऑन स्टेट रोल अपने आप को एज एन एडवोकेट एडमिट कराना चाहता है तो उसे वो सभी इसेंशियल कंडीशंस फुलफिल करने होंगे जो एडवोकेट्स एक्ट 1961 के सेक्शन 24 में निहित है। व्हाट आर द क्वालिफिकेशंस नीडेड टू बी एन एडवोकेट, इस पर्टिकुलर टॉपिक को हमने डिटेल में कवर किया है, तो आप चाहो तो देख सकते हो। तो एडवोकेट्स एक्ट 1961 में जो क्वालिफिकेशंस हैं उन्हें अगर एक पर्सन फुलफिल करता है तो वो अपने आप को स्टेट रोल ऑफ एडवोकेट में एज एन एडवोकेट एडमिट करा सकता है। नाउ अपॉइंटमेंट ऑफ सीनियर एडवोकेट, देखो हमारे एडवोकेट्स एक्ट 1961 का जो सेक्शन 16 सबसेक्शन 2 है वो कहता है कि सीनियर एडवोकेट का अपॉइंटमेंट केवल हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट करेगा। अच्छा,
एडवोकेट्स एक्ट 1961 का ये जो सेक्शन है सेक्शन 16 वो डज नॉट क्वालिफाई द टर्म एडवोकेट, एडवोकेट शब्द को विशेषित नहीं करता है। ये सेक्शन केवल ये कहता है कि देयर शैल बी अ क्लास ऑफ एडवोकेट्स जिन्हें हम सीनियर एडवोकेट्स कहेंगे, और कोई भी पर्सन सीनियर एडवोकेट का डेजिग्नेशन पा सकता है अगर वो ये तीनों एसेंशियल एलिमेंट्स को फुलफिल करता है। राइट, नाउ डेजिग्नेशन ऑफ सीनियर एडवोकेट, देखो ये आपके बैरक में है, ठीक। एनी एडवोकेट मे बी डेजिग्नेटेड एज सीनियर एडवोकेट, किसी भी एडवोकेट को हम सीनियर एडवोकेट का डेजिग्नेशन दे सकते हैं अगर वो जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज हैं उन्हें फुलफिल करता हो, तो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट उसके कंसेंट से उस डेजिग्नेशन को उसे दे सकते हैं अगर हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि ही इज डिजर्विंग। ये चीज कहा गया था देवाशीष रॉय वर्सेस हाई कोर्ट ऑफ केरला एंड अदर्स, ये केस भी आपके बेरक में दिया है, ठीक है। तो ये है सीनियर एडवोकेट एंड अदर एडवोकेट्स, वो एडवोकेट्स हु आर नॉट डेजिग्नेटेड एज सीनियर एडवोकेट नोन एज अदर एडवोकेट्स। जूनियर एडवोकेट्स का कोई डेजिग्नेशन नहीं होता है, ठीक है। ये आम बोलचाल की भाषा में जो नए नए लीगल फील्ड में होते हैं जिन्हें कम एक्सपीरियंस होता है उन्हें जूनियर एडवोकेट्स लोग बोल देते हैं, हालांकि ये सही नहीं है। क्यों? क्योंकि एडवोकेट्स एक्ट 1961 जूनियर एडवोकेट्स रिकॉग्नाइज नहीं करता। दो तरह के, दो क्लासेस ऑफ एडवोकेट्स होंगे, सीनियर एडवोकेट और अदर एडवोकेट्स। राइट, तो अक्सर शॉर्ट क्वेश्चन इस पर्टिकुलर सेक्शन से आता है, अगर आता है तो आप इस तरह से एक्सप्लेन कर दोगे। बाकी जो केस है देवाशीष रॉय वर्सेस हाई कोर्ट ऑफ कोलकाता डेजिग्नेशन ऑफ सीनियर एडवोकेट के ऊपर, वो भी आप लिख देना, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हमने प्रोफेशनल एथिक्स के एक छोटे से टॉपिक को कवर किया। आई होप कि ये पर्टिकुलर सेक्शन आपको अच्छे से समझ में आ गया हो। अपने पूरे एफर्ट्स के साथ मैंने इस पर्टिकुलर सेक्शन को समझाने की कोशिश करी। तो अगर ये एफर्ट्स आपको अच्छे लगते हैं, मेरे वीडियोस किसी भी वे में आपको हेल्प करते हैं, तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करिए, वीडियोस को लाइक करिए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, बिकॉज आई बिलीव टुगेदर वी लर्न, टुगेदर वी ग्रो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।